दोस्तों अचानक से पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया जाता है क्योंकि दोस्तों अचानक से सभी इंसान धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगे होते हैं। किसी को यह बात का पता नहीं होता है कि यह कोई वायरस या कुदरत का प्रकोप। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन सीरीज स्वीट होम के सीजन 1 को। दोस्तों कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक फॉरवर्ड से होती है जब सितंबर का महीना चल रहा था और चारों तरफ स्नो गिर रही थी। दोस्तों तभी स्नो में हम कई मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि रोर कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ मिलिट्री के कई जवानों को हथियार के साथ देखते हैं। तभी हमें एक इंसान को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। यहाँ पर मिलिट्री के जवान उस पर फायर करते हैं, लेकिन दोस्तों गोलियों का तो उस इंसान पर कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। और इसी इंसान के जरिए हमें इस सीरीज की स्टोरी का पता चलने वाला है जहाँ पर सिनशिप होता है और हम अगस्त के महीने को देखते है कि एक लड़का जिसका नाम युनसु होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास था और वो ग्रीन होम नाम के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर आने के बाद वो अपार्टमेंट की छत पर जाता है और वहाँ से कूद के खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी लियुन नाम की लड़की जो कि एक बेलरीना होती है वो उसे यह कहकर रोक लेती है कि अगर वो कूद के मारा जाएगा तो अपार्टमेंट के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसे अपार्टमेंट का मैनेजर ठीक से ट्रीट नहीं करता था। तभी वहाँ पर एक औरत आकर उसे कुछ मछलियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड मछलियों वाले बॉक्स को खोलता है तो उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उसके नाक में से खून निकलने लगता है और उसी दिन से उसका बर्ताव काफी अजीब हो गया था। यहाँ पर हम अपार्टमेंट के कई और लोगों से भी मिलते हैं। दोस्तों ये औरत का नाम मिस इम होता है जिसकी बच्ची रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी बच्ची का स्ट्रोलर लेकर घूमती थी। इन शॉर्ट वो उस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी हम जीसु को देखते हैं जो कि एक म्यूजिशियन होती है जो कि मिस इम से मिलती है। तभी हम एक और रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम जेयुन होता है और वो मिस इम के बारे में जीसु को बताता है। तभी हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम सांगवुक होता है और उसने एक आदमी को टेप से लपेट के रखा होता है। इन शॉर्ट उसे होस्टेज बना के रखा होता है और उसे सांगवुक बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है। तभी हम युनसु को भी देखते हैं जिसे एक गेम टेस्टिंग के लिए बुलाया होता है और हम देखते हैं यह डेट वही होती है जिसमें उसने सुसाइड अटेंड किया था। दोस्तों युनसु एक अजीब तरह का लड़का होता है, उसे लोगों के साथ मिलना या बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो ज्यादातर डिप्रेस ही रहता है। दोस्तों युनसु अपने नूडल्स का पार्सल लेने के लिए अपार्टमेंट के डोर को ओपन करता है। तभी वो देखता है कि उसके नूडल्स तो हर तरफ बिखरे हुए हैं। तभी युनसु की नजर अपनी नेबर पर पड़ती है जिसे देख युनसु तो डर ही जाता है क्योंकि दोस्तों युनसु की नेबर अपनी पालतू बिल्ली को ही खा रही थी और यह देखकर युनसु तो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन तभी वो नेबर उसके डोर को नॉक करने लगती है। यहाँ पर दोस्तों युनसु दरवाजा तो नहीं खोलता है, वो पास में बनी डिस्प्ले में से उसे देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उस औरत को अचानक से नोज ब्लीडिंग होने लगी है और दोस्तों वो औरत अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर बन जाती है। अब यहाँ पर युनसु के दरवाजा ना खोलने की वजह से वो औरत दूसरे रेसिडेंट के डोर को नॉक करने लगती है जो कि और किसी का नहीं जीसु का ही होता है और वो मॉन्स्टर औरत ऑलमोस्ट उसके दरवाजे को तोड़ने ही वाली थी। ये देखकर जीसु काफी डर जाती है। तभी अचानक से दरवाजा नॉक करना वो औरत बंद कर देती है जिस वजह से जीसु दरवाजे के पास मौजूद डिस्प्ले में से उसे देखती है तो उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी हम अपार्टमेंट के नीचे युनयोक को देखते हैं जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि दोस्तों असल में अपार्टमेंट के गेट को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी हम यी क्यूंग को देखते हैं जो कि एक फायर फाइटर होती है और वो मैनेजमेंट के ऑफिस में जाके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सभी लाइनें तो बिजी होती है। तभी ग्रीन होम के सभी लोग अपार्टमेंट के बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी बड़ी सी टंग होती है और उसका मुंह भी अजीब तरह से खुल रहा था। और दोस्तों जब रेसिडेंट गेट को खोल देते हैं तो वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी टंग से लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर युनयोक और यी क्यूंग दोनों गेट को बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर को भी बाहर रखने में कामयाब होते हैं। तभी रेसिडेंट देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं कई सारे मॉन्स्टर हैं जो कि एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। तभी हम युनसु को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में होता है और उसके भी नोज से खून निकलने लगता है। और यहाँ पर हमें युनसु के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने पूरे परिवार को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और तब से वो डिप्रेस हो गया था। दोस्तों जब युनसु अपने नेबर को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो जीसु को अपने पास देखता है। दोस्तों अब चारों तरफ ये खबर फैल चुकी होती है कि जो भी इंसान मॉन्स्टर बनने वाला है उसे नोज ब्लीडिंग होती है, लेकिन किसी को यह बात का पता नहीं होता है कि यह वायरस कैसे फैल रहा है। दोस्तों अब युनसु को भी यह इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन उसे तो किसी ने काटा भी नहीं था। तभी हम सांगवुक को देखते हैं जिसको युनसु की पड़ोसी काट लेती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार के चला जाता है। दोस्तों सांगवुक जब नीचे आता है तो वहाँ पर मौजूद रेसिडेंट उसे मार के बेहोश कर देते हैं और बांध देते हैं। कुछ लोग तो उसे मारने की भी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सांगवुक वहाँ से भाग जाता है। तभी हम जेयुन को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के सर को आधा काट देता है। दोस्तों वो मॉन्स्टर जिंदा रहता है लेकिन कुछ देख नहीं पा सकता था। अब आधे सर वाला मॉन्स्टर युनसु के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जिससे युनसु बड़ी ही सावधानी से बिना आवाज किए वहां से निकल जाता है। दोस्तों युनसु को उसके नेबर
डूसिक से एक वेपन मिलता है जिसको यूज करके युनसु मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उसे स्टेप कर देता है। अब उसी वेपन के इस्तेमाल से युनसु अपने नेबर के बच्चों को भी बचाने जाता है क्योंकि उनके पिता को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। यहाँ पर डूसिक ने उस मॉन्स्टर को घायल तो कर दिया होता है लेकिन वो बच्चे अकेले होने की वजह से युनसु उनकी मदद के लिए जाता है। दोस्तों यहाँ पर युनसु उन बच्चों को बचा के घर से बाहर तो निकाल लाता है लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से युनसु को वापस से नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इस वजह से यहाँ पर वो उन बच्चों को उससे दूर जाने को कहता है। तभी उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसकी आंखें भी डार्क हो जाती है। दोस्तों युनसु अपने फ्लैशबैक में देखता है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, तब वो भी कार में ही था और उसकी डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके फैमिली के सदस्य मारे गए थे। दोस्तों उस एक्सीडेंट के बाद उसकी आंखें सीधी हॉस्पिटल में ही खुलती है और उसकी अनस्टेबल मेंटल हेल्थ की वजह से उसे विजन आया करते थे। दोस्तों तभी प्रेजेंट टाइम में युनसु को एक और विजन आता है जिसमें वो अपना ही एक हमशक्ल देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह से डार्क थी। लेकिन तभी ग्रीन होम में जहाँ पर रियल युनसु होता है वहाँ पर उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पर युनसु वापस से रियलिटी में आ जाता है। वो बड़ा मॉन्स्टर बच्चों पर अटैक करने वाला होता है लेकिन यहाँ पर युनसु उसे भिड़ जाता है और दोनों बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर युनयोक और जिसु भी आ जाते हैं जो कि युनसु को बचा के ले जाते हैं। यहाँ पर युनसु उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे मॉन्स्टर के सामने है जो कि वही मॉन्स्टर था जिसका आधा सर काट दिया था। दोस्तों तभी वहाँ पर कहीं से बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है और अब यहाँ पर दोनों मॉन्स्टर आपस में भिड़ जाते हैं। यहाँ पर बड़ा मॉन्स्टर आधे सर वाले मॉन्स्टर को हरा देता है और बच्चों की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों बच्चों को बचाने के लिए मिसिम आती है जो कि हमेशा अपने मरे हुए बच्चे का स्ट्रोलर लेकर घूमती थी और सदमे में ही रहती थी। दोस्तों यहाँ पर मिसिम अपने मरे हुए बच्चे को खोने के ट्रोमा को फेस करती है और तय करती है कि वो अब से इन दोनों बच्चों को बचाएगी। बच्चे तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर मिसिम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दोस्तों मिसिम को भी इन्फेक्शन हो चुका था इस वजह से मॉन्स्टर उसे मार नहीं पाता है। दोस्तों अब युनसु बच्चों को ले जाता है और जोयोन उस मॉन्स्टर को अपने दिमाग का यूज करके खिड़की से बाहर फेंकने में कामयाब होता है। अब वो सभी डूसिक के घर पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पर वो खाना भी खाते हैं और वो सभी युनसु के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि दोस्तों युनसु तो क्लियरली इन्फेक्टेड होता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे मौजूद लोग टीवी में न्यूज देखते हैं कि प्रेसिडेंट भी इन्फेक्टेड हो गए थे, उन्हें भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट मॉन्स्टर जैसा बर्ताव करने लगते हैं जिस वजह से यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें कंट्रोल में करने लगती है। दोस्तों तभी हम मिसेस चा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को अपार्टमेंट के अंदर लाना चाहती थी क्योंकि उनकी बच्ची स्कूल से वापस आ रही थी। यहाँ पर मिसेस चा अपार्टमेंट का गेट खोल देती है लेकिन अपार्टमेंट के गेट तक पहुँचने से पहले ही मिसेस चा की बेटी मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। यहाँ पर मिसेस चा की बेटी को बचाने में अपार्टमेंट में रहने वाला एक सोल्जर जिसका नाम लिसुंग होता है वो भी यहाँ पर मारा जाता है, जिसके बाद रेसिडेंट गेट को वापस से बंद कर देते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर रेसिडेंट के बाहर घूम रहे होते हैं और सभी रेसिडेंट अंदर लॉक होते हैं। तभी हम नर्स यूरी और उसके बुढ़े पेशेंट आनगिल को देखते हैं जो कि अपने फ्लोर से नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हम यिक्योंग को देखते हैं जो कि खुद को बिल्डिंग के वेंट्स में से निकालती है, वो भी एक मॉन्स्टर से जैसे तैसे बचती है और वापस से रेसिडेंट के ग्रुप में शामिल होती है। दोस्तों सभी टीवी पर न्यूज में देखते हैं कि देश में मार्शल लॉ स्टेब्लिश कर दिया गया है और मिलिट्री वाले रिवील करते हैं कि ये इन्फेक्शन ना तो ब्लड से फैलता है ना तो एयर से फैलता है, ये तो ह्यूमन डिजायर से रिलेटेड है और जिन्हें भी इन्फेक्शन हो गया है उन्हें क्वारंटाइन में रहना चाहिए और अगर कोई मॉन्स्टर बन जाता है तो उन्हें मार देना चाहिए। यहाँ पर मिलिट्री वाले ये बात भी रिवील करते हैं कि मॉन्स्टर को सिर्फ आग से ही मारा जा सकता है और ये बात जान के सभी रेसिडेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी युनसु जिसु और जेयोन नीचे आते हैं। तभी यहाँ पर युनसु रेलिंग से गिर के कई फ्लोर तक नीचे गिर जाता है, इस वजह से उसे कई सारे विजन भी आते हैं। युनसु को होश आता है तो वो अपने सामने लियुन और युनयोक को देखता है। यहाँ पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है, इस वजह से सबको मालूम पड़ जाता है कि युनसु भी इन्फेक्टेड है। तभी वहाँ पर मौजूद एक रेसिडेंट सियोक्योंग युनसु को मारना चाहता था लेकिन तभी यहाँ पर युनयोक एक वोट रखता है। वोटिंग में आधे लोग युनसु के फेवर में होते हैं और आधे उसके खिलाफ होते हैं। तभी यहाँ पर सियोक्योंग गुस्सा हो जाता है लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से उसे खुद नोज ब्लीडिंग होने लगती है जिस वजह से अब युनसु और सियोक्योंग दोनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। तभी हम चोयुन को देखते हैं जो कि सांगवुक के पास बंदी था, वो वहाँ से बच के निकल गया होता है लेकिन वो खुद को वापस से सांगवुक के सामने देखता है। वो वहाँ से भाग के
क्वारंटाइन रखे होते हैं वहाँ पर चला जाता है और खुद को यूनसुअर सियोक्यों के साथ झूठ बोल के क्वारंटाइन में हो जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहता है तो सांगू के हाथों मारा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सांगू ने जो उनके घर की चाबी चुरा ली होती है और अब वो उसके घर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम दूसरी के घर पे दोनों बच्चे और उन्हें बचाने वाली मिस इम को देखते हैं। तभी यहाँ पर बच्चे दूसरी को बताते हैं कि मिस इम पिछले एक घंटे से बाथरूम में है, जिस वजह से दूसरी बाथरूम को खोलता है तो वो देखता है कि मिस इम तो अब एक मॉन्स्टर में बदल रही है। तभी हम युनयोक को देखते है जो की रेसिडेंट का एक तरह से देखो तो लीडर ही बन गया होता है, जो की एक प्लान बनाता है जिसमे वो युनसु का इस्तेमाल करके दूसरी को नीचे लाना चाहता था, क्योंकि दोस्तों दूसरी को हथियार और मैकेनिक में अच्छा नॉलेज होता है और उसके बनाए हथियारों की मदद से रेसिडेंट मॉन्स्टर को अच्छी फाइट दे पाएगी। तभी हम दूसरी को देखते हैं जिसके साथ बच्चे भी होते हैं। तभी यहाँ पर दूसरी को मिसिम की बात याद आती है। मिसिम ने उसे कहा था कि वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती है, इस वजह से मॉन्स्टर बनने से पहले ही वो उसे मार दे। लेकिन दोस्तों दूसरी को उन्हें मार नहीं पाता है और वो बच्चों को इतना कह देता है कि मिसिम अब हमारे बीच नहीं रही है। तभी हम युकियोंग को देखते हैं जिसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी युनयोक को भी हम देखते हैं जो कि उसे एक लोक के बारे में बताता है जिसमें लिखा था कि यह कोई वायरस नहीं बल्कि एक श्राप है और यह लोग एक क्रोक्रु के नाम पे था। और यह सुन के युकियोंग को अपने पियोन से की याद आती है, क्योंकि यह शब्द उसने उसके मुँह से एक बार सुना था। दोस्तों वहीं युनसु को ऊपर यूरी और अनगिल मिलते हैं और दूसरी तरफ सांगू को एक मॉन्स्टर मिलता है जिससे वो बचकर निकल जाता है। दोस्तों अब युनसु अनगिल और यूरी को दूसरी के पास ले जाता है ताकि वो उन सबको सेफली नीचे ला सके। इसी बीच जिसु और जयुन उनके अपार्टमेंट के बाहर SOS का एक बड़ा सा बैनर लटका देते हैं। दोस्तों तभी हम सांगू को देखते हैं जो कि चोयुन के घर पे होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चोयुन कोई इनोसेंट लड़का नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल था जिसने कई मासूम लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया था। और दोस्तों हमें उन लड़कियों की फोटो चोयुन के घर पे मिलती है और यह सब कुछ देखकर तो सांगू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब चोयुन को मारने के लिए जाता है। दोस्तों चोयुन क्वारंटाइन में से बाहर निकलता है लेकिन सांगू उसे पकड़ के मार देता है और उसकी बॉडी को अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सांगू सोल्जर और मिस चा की बेटी को भी अंदर ले आता है और वो खुद को बाहर लॉक करना चाहता था लेकिन यहाँ पर जयुन उसे रोक लेता है। तभी हम मिसिस चा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की बॉडी को देखकर टूटी जाती है और बाद में वो युनसु के द्वारा बचाए दोनों बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लेती है। तभी हम लंबी टंग वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि चोयुन की बॉडी को चूस रहा होता है लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को भी उठा के ले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर पहले 5 एपिसोड स्वीट होम के सीजन 1 के पूरे होते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।